our parents. Our parents take the place of God on earth. They love and care for us. They lead us on the path of right. They work very hard to ensure that we lead a comfortable life. It is not sufficient to thank our parents day and night for all the work they do for us. हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अर्थ पर हमारे गॉड हैं. वो क्या करते हैं, हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ किस लिए कि हमको एक अच्छी लाइफ मिल सके. तो सिर्फ थैंक यू कहना पेरेंट्स के लिए बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड हो जाएगा. तो हम अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे शो करेंगे? देर आर सेवरल वेज इन विच वी कैन शो अवर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स अवर पेरेंट्स. द ट्रू फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम वुड बी to behave as they would like us to behave, to love and respect them and to try to lighten their work as much as possible. क्या करना चाहिए हमको कि हमें अपने parents को बहुत ज़्यादा love and respect, प्यार भी देना चाहिए और उनकी respect भी करनी चाहिए और उनकी care भी करनी चाहिए. अगर मम्मी पापा बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप उनकी काम में help कर सकते हैं, उनको चाय बना के दे सकते हैं, उनको rest करवा सकते हैं, उनकी medicine time पे दे सकते हैं. और आजकल तो बच्चे सब चीज़ ऑनलाइन मंगा लेते हैं, अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं. तो इस तरह से हम ये ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं. एक स्टोरी है, रेहाना एंड हर लिटिल ब्रदर स्टेड एट होम व्हेन देयर पेरेंट्स वेंट टू वर्क. जब इनके पेरेंट्स जो हैं बाहर अपने वर्किंग पर जाते हैं तो रेहाना और उसका ब्रदर क्या करते हैं, अकेले रहते हैं घर पर. रेहाना लुक्ड आफ्टर हर लिटिल ब्रदर एंड केप्ट ऑल हर थिंग्स प्रॉपरली. रेहाना अपने छोटे भाई की बहुत अच्छे से केयर करती है और उसकी सारी चीज़ों को जगह पर जमा कर रखती है. बाय द टाइम मम्मी कम बैक इन द इवनिंग रेहाना कम्प्लीटेड ऑल हर होमवर्क. जब मम्मी शाम को आती हैं तो रेहाना क्या करती है, सारा होमवर्क करके रखती है. शी वुड ट्राई टू हेल्प मम्मी बिकॉज शी न्यू दैट मम्मी वुड बी टायर्ड आफ्टर ए हैट्रिक डे इन ऑफिस. वो जानती है कि मम्मी जो है दिन भर इतना थका हुआ दिन होता है, हैट्रिक होता है, हैट्रिक शेड्यूल होता है, सुबह से लेकर शाम तक वर्क 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 होता है, तो मम्मी थक गई हैं तो मैं उनकी हेल्प करूंगी. मम्मी इन टर्न हैड कॉन्फिडेंस इन रेहानाज कैपेबिलिटी. शी न्यू दैट रेहाना वॉज ए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड शी कुड ट्रस्ट हर. और मम्मी भी क्या करती हैं कि रेहाना की हेल्प लेती हैं, किस लिए कि रेहाना जो है डे बाई डे रिस्पॉन्सिबल बनती जाएगी. और मम्मी ये ट्रस्ट भी करती हैं कि रेहाना जो है बहुत ही अच्छी और रिस्पॉन्सिबल बच्ची है. द एटमोसफियर इन दोज इन द हाउस वॉज देयर फोर फुल ऑफ लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसा जो रेहाना के घर का एटमोसफियर है वो कैसा है, फुल ऑफ लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते भी हैं. टू अवर टीचर्स, अवर टीचर्स टेक द प्लेस ऑफ अवर पेरेंट्स इन स्कूल. अब जो टीचर्स हैं वो किसकी जगह ले लेते हैं, जैसे पेरेंट्स ने परमेश्वर की जगह ले ली अर्थ पर, स्कूल में टीचर्स ने जगह ले ली किसकी, पेरेंट्स की. They not only teach us to read and write but also make us aware of all the good and acceptable values of life. वो हमें सिर्फ लिखना और पढ़ना ही नहीं सिखाते, लाइफ की जो वैल्यू है, मतलब आप किस चीज़ को वैल्यू देंगे अपनी लाइफ में, क्या सही है क्या गलत है, ये भी आपके टीचर सिखाते हैं. They love and nurture us in the way God wants us to be. और उस तरह से हमारा पोषण करते हैं जिस तरह से भगवान हमको बनाना चाहते हैं. We can express gratitude towards our teachers by behaving exactly as they advise us, by imbibing good qualities and by giving them due respect. हम कैसे gratitude show कर सकते हैं teachers के लिए, उनकी हर advice को मानकर, उनकी हर बात को मान करके हम अपना gratitude show कर सकते हैं. अब किसका number आया, to our friends and all, जितने भी आपके friends हैं आपके आसपास, आपकी क्लास के भी हो सकते हैं, आपके एरिया में रहने वाले भी हो सकते हैं. तो क्या हमें सारे जो फ्रेंड्स हैं और उसके अलावा कुछ अदर पर्सन्स भी होते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर है, स्टेशनरी वाले हैं, कोई ग्रॉसरी शॉपकीपर है, आप उस पर भी जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ में भी आप कैसे ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, कैसे करेंगे? ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स अवर फ्रेंड इज़ वेरी नेसेसरी. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ. जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. If we take them for granted and be insensitive to their wishes, we will be doing injustice to them. अगर हम सिर्फ काम के लिए उनको यूज़ करते हैं,
जो सिर्फ ग्रांट के लिए अपने यूज़ करते हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड, तो फिर क्या होगा कि फ्रेंड्स भी सोचेंगे अरे ये तो हमें यूज़ करता है, हमारी कोई वैल्यू तो इसके लिए है नहीं। तो ये भी क्या है, एक गलत तरीका है। तो जब भी आपका फ्रेंड आपके लिए कुछ करे तो उसको थैंक्स ज़रूर बोलें। आवर फ्रेंड गिव अस कंपनी व्हेन वी नीड, दे प्ले विथ अस, ट्राई टू कीप अस इन गुड ह्यूमर। इफ़ वी शो सम एप्रिशिएशन टूवर्ड्स देम, इट विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। जितना हम उनको अप्रिशिएट करेंगे उतनी ही हमारे फ्रेंड्स के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो कैसी होती जाएगी, बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। वी कम अक्रॉस डिफरेंट पीपल इन आवर एवरीडे लाइफ, हम बहुत तरह के लोगों से अपनी रोज़ की ज़िंदगी में मिलते हैं। आवर नेबर्स, शॉपकीपर्स, ऑल कंट्रीब्यूट इन सम स्मॉल वे इन मेकिंग अस अ गुड पर्सन। आवर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल ऑफ दैम वुड बी टू हेल्प दैम वेन एवर दे आर इन नीड। वी शुड बी काइंड एंड कंसिडरेट, पोलाइट एंड कर्टियस टूवर्ड्स दैम। हमको कैसे रहना चाहिए इनके लिए, काइंड भी रहना चाहिए, कंसिडरेबल भी रहना चाहिए। अगर वो कुछ हमसे बात कहते हैं तो हम उनकी बात को मान भी सकते हैं। सो दिस इज हाउ गॉड वुड लाइक अस टू बी, एंड देयर इज हाउ वी कैन शो अवर ट्रू ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम। तो ये जो थे डिफरेंट वेज थे, पाथ्स थे, जिनके थ्रू हम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। और ये सारा ग्रेटिट्यूड जो है कंबाइनिंगली किसकी तरफ होता है, गॉड की तरफ होता है।